उसी का आगे कंटिन्यू करते हैं। बेलिग्रेंट्स वर द नवाब सिराजुद्दौला द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल के नवाब की बात करें तो लास्ट नवाब जो था वो नवाब सिराजुद्दौला जो था, जो कि एक इंडिपेंडेंट रूलर था बंगाल का, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों के बीच में बैटल लड़ा गया था। सिराजुद्दौला हैड बिकम द नवाब ऑफ बंगाल द ईयर बिफोर एंड ही ऑर्डर्ड टू इंग्लिश टू स्टॉप द एक्सटेंशन ऑफ देयर फोर्टिफिकेशन। ब्रिटिशर जो थे उन्होंने बंगाल के अंदर फोर्ट बनाने स्टार्ट किए थे, फोर्ट मतलब किले जिसको कहा जाता है। टू स्टेम बंगाल का नवाब जो था वो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर को कहा कि आप ये जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, आप ये जो फोर्ट बना रहे हैं उसको स्टॉप कर दीजिए। रॉबर्ट क्लाइव ब्रीफ्ड मिर्जाफर द कमांडर इन द चीफ ऑफ द नवाब आर्मी एंड आल्सो प्रोमिस हिम टू मेक हिम नवाब ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, चालाकी से जो सिराजुद्दौला का जो कमांडर जो था मीर जाफर उसको अपनी साइड में मिला लिया और उसको प्रॉमिस किया कि अगर तुमने हमारी हेल्प की तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बनाएंगे। क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला एट द प्लासी इन 1757 एंड कैप्चर्ड कलकत्ता। रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर होने के नाते जो सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब, उसको बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बीच में जो लड़ा गया था उसको डिफीट किया और कलकत्ता को जीत लिया उसने। इस तरह से मीर जाफर जो था उसने सिराजुद्दौला के साथ में चीटिंग की और वो ब्रिटिशर्स की साइड में मिल गया, जिसकी वजह से बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला वो ब्रिटिशर्स के हाथों या ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों डिफीट हो गया। द ब्रिटिश सेंट रेनफोर्समेंट अंडर द कर्नल रॉबर्ट क्लाइव एंड द एडमायरल चार्ल्स वॉटसन फ्रॉम द मद्रास टू बंगाल एंड रिकैप्चर्ड द कलकत्ता। क्लाइव देन सीज्ड द इनिशिएटिव टू कैप्चर द फ्रेंच फोर्ट ऑफ चंद्रनगर। रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्रनगर जो फ्रेंच फोर्ट था उसको कैप्चर कर लिया। टेंशन एंड द सस्पिशन बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश कल्मिनेटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो ऐसे कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके बीच में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया। द बैटल ऑफ प्लासी एंड द रिजल्टेंट विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड टू द पपेट गवर्नमेंट इंस्टेटेड बाय देम इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की कई सारे ऐसी जगह थी, कई सारे ऐसे स्टेट थे जहां पर एक तरह से पपेट गवर्नमेंट मीन्स ऐसे रूलर वहां पर उन्होंने बना दिए जो सिर्फ ब्रिटिशर्स की बात मानते थे या ब्रिटिशर्स के इशारों पर काम करते थे। दिस लेड टू एन अनलिशिंग ऑफ एक्सेसेस मेल प्रैक्टिसेस एंड द एट्रोसिटीज बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द नेम ऑफ टैक्स कलेक्शन। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो टैक्स कलेक्शन के नाम पर कई सारी एट्रोसिटीज, कई सारे टैक्सेस जो थे उन्होंने इंडिया के ऊपर या इंडियन लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिए और एक तरह से ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन लोगों का एक्सप्लोटेशन करने लगे।